अगली खबर है मध्य प्रदेश के रीवा जिले से, जहां कलेक्ट्रेट के मोहन सभागार में जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता करते हुए सांसद जनार्दन मिश्र ने कहा कि अच्छी सड़कें बन जाने से वाहनों की गति बढ़ गई है। गति को नियंत्रित करने के लिए जिन स्थानों पर स्पीड ब्रेकर बनाए गए हैं, वहां पर्याप्त संख्या में संकेतक और लाइट लगाएं। सड़क दुर्घटना के लिए जो स्थान ब्लैक स्पॉट के रूप में चिन्हित किए गए हैं, वहां सड़कों में सुधार तथा दुर्घटना रोकने के अन्य उपाय करें। बैठक में कलेक्टर मनोज पुष्प ने कहा कि लगातार मॉनिटरिंग करने से वाहन दुर्घटनाओं में कमी आई है। सड़कों में सुधार तथा वाहनों की जांच का कार्य लगातार किया जा रहा है। स्कूल बसों में सीसीटीवी कैमरे लगाने तथा इनके ड्राइवरों के सत्यापन के संबंध में अभियान चलाया जा रहा है। बसों के अलावा स्कूली बच्चों को ले जाने वाले ऑटो, मैजिक तथा अन्य वाहनों का स्कूल एवं ट्रैफिक पुलिस में पंजीयन कराना अनिवार्य होगा। इसी तरह सभी प्राइवेट एम्बुलेंस का भी ट्रैफिक पुलिस स्वास्थ्य विभाग में पंजीयन करना अनिवार्य होगा। यातायात प्रभारी 15 दिनों की समय सीमा में इनका पंजीयन सुनिश्चित कराएं। कलेक्टर ने कहा कि वाहन दुर्घटना में आपात सहायता देने के लिए हाईवे के हेल्पलाइन नंबर 1099 तथा 1033 का व्यापक प्रचार प्रसार कराएं। दुर्घटना के गोल्डन आवर में पीड़ितों को सहायता देने वाले 4 व्यक्तियों को पुरस्कृत करने के प्रस्ताव भेजे गए हैं। बैठक में पुलिस अधीक्षक नवनीत भसीन ने कहा कि स्कूल तथा कॉलेजों में सड़क सुरक्षा के संबंध में जागरूकता कार्यक्रम लगातार आयोजित किए जा रहे हैं। दोपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट के उपयोग तथा 4 पहिया वाहन चलाते समय सीट बेल्ट के उपयोग के लिए भी लोगों को जागरूक किया जा रहा है। सभी सिनेमाघरों में फिल्म से पहले यातायात जागरूकता के संदेश दिखाए जाएंगे। बैठक में समिति के सचिव संभागीय प्रबंधक सड़क विकास निगम HNS गौतम ने गत बैठक में लिए गए निर्णयों का पालन, प्रतिवेदन तथा वाहन दुर्घटना रोकने के लिए किए गए उपायों की जानकारी दी। बैठक में प्रकाश चौराहा से अस्पताल चौराहा तक स्थायी डिवाइडर लगाने, पशुओं को सड़कों से हटाने, ड्राइवरों के स्वास्थ्य परीक्षण के लिए शिविर लगाने तथा शिक्षण संस्थाओं में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने का सुझाव दिया गया। बैठक में कॉलेज चौराहा तथा सिरमौर चौराहा में पैदल चलने के लिए पाथवे के निर्माण का निर्णय लिया गया। बैठक में आयुक्त नगर निगम मृणाल मीणा, अपर कलेक्टर शैलेन सिंह, परिवहन अधिकारी मनीष त्रिपाठी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अनिल सोनकर, DSP यातायात मनोज शर्मा, यातायात प्रभारी दिलीप तिवारी तथा समिति के सदस्यगण उपस्थित रहे। सर्व सुविधा युक्त नेशनल हॉस्पिटल समान तिराहा रीवा में अब कैंसर का सफल उपचार और ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। हमारे यहाँ मिल रहा है आयुष्मान भारत निरामय योजना का लाभ। आयुष्मान जन आरोग्य योजना के तहत सभी प्रकार के मेडिक्लेम की सुविधा उपलब्ध है। हमारे यहाँ लेजर कैंसर, अस्थि रोग, एंडोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी एवं प्रसूति रोग का अनुभवी चिकित्सकों के द्वारा उपचार किया जाता है। कैंसर के इलाज एवं ऑपरेशन अब रीवा के नेशनल अस्पताल में उपलब्ध है। नेशनल हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर अखिलेश पटेल के द्वारा उपलब्ध करवाई जा रही हैं सभी सुविधाएं। आयुष्मान से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए संपर्क करें मोबाइल नंबर 9691288560 पर, या फिर संपर्क करें 7566831551 पर। हमारा पता है नेशनल हॉस्पिटल समान तिराहा रीवा। संपर्क करें 07662359974 पर, या फिर संपर्क करें 8602885990 पर।